जहां तक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रश्न है, बहनों भाइयों, ये कल्पना कभी की जा सकती है कि हमारा प्रधानमंत्री कोई भी ऐसा कदम उठाएगा जो कि किसानों के हितों के विरुद्ध होगा, किसानों के हितों पर चोट पहुंचाने वाला होगा। 2014 से जब से वह भारत के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने जो जो कदम उठाए हैं हिंदुस्तान के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आजाद भारत में किसी ने किसानों के और गरीबों के कल्याण के लिए इतने प्रभावी कदम नहीं उठाए। भारत की संसद ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 3-3 बिल पास किया है, 3 एक्ट बन गए हैं। लेकिन आज कुछ लोगों के द्वारा यह गलतफहमी पैदा की जा रही है, यह तीनों एक्ट किसान विरोधी एक्ट हैं। बहनों भाइयों, मैं भी गांव का रहने वाला हूं, मैं भी किसान की औलाद हूं, हमने भी खेतों पर जाने का काम किया है, अपने पिता के साथ, अपने भाइयों के साथ खेतों पर हमने भी जाकर खेती बाड़ी को अच्छी तरह देखा है और समझा है। और मैं अच्छी तरह से समझता हूं कौन सी ऐसे प्राविधान हो सकते हैं जो किसानों के कल्याण के लिए हैं और कौन से प्राविधान ऐसे हैं जो किसान के लिए के हितों के विरोधी हैं। सारे एक्ट को मैंने देखा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं बहनों भाइयों, एक भी प्राविधान उसमें ऐसा नहीं है जो किसानों के हितों का विरोधी प्राविधान हो। यह बात मैं दावे के साथ में कह सकता हूं। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा किसानों की आमदनी को हम कुछ ही समय के बाद हम 2 गुना करना चाहते हैं। उस दृष्टि से जितने भी कदम उठाए गए हैं, कुछ चीजों की चर्चा स्वयं यहां पर प्रवेश वर्मा ने की है, इसलिए मैं यहां पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं। गलतफहमी पैदा की जा रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस समाप्त कर दी जाएगी, हमारे प्रधानमंत्री ने बार बार कहा है। और आज किसान भाइयों के बीच खड़े होकर या किसान का बेटा बहनों भाइयों वचन दे रहा है, किसी भी सूरत में मिनिमम सपोर्ट प्राइस समाप्त नहीं होगी। हम आपको पूरी तरह से विश्वास दिलाते हैं, यकीन दिलाते हैं। अरे मैं डंके की चोट पर कहता हूं, जब जब भारत में आर्थिक मंदी आई है, जब जब भारत में आर्थिक मंदी आई है, आर्थिक मंदी से इस भारत को संभालने का काम यदि किसी ने किया है, इस देश के किसान ने किया है। बहनों भाइयों, हमने वह कई ऐसे अवसर देखे हैं जब भारत में आर्थिक मंदी आई है, कहा जाता है कि मंडी समाप्त कर दी जाएगी। बहनों भाइयों, मंडी व्यवस्था होनी चाहिए। शरद पवार जी जो आज इसका विरोध कर रहे हैं, वह भी जब कृषि मंत्री थे, उन्होंने सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था कि एपीएमसी एक्ट को स्वीकार करो, मंडी की व्यवस्था अपने यहां करो, उसको भी हम लोगों ने मान लिया। इतना ही नहीं, आप अपना माल कहीं भी बेचना चाहो, यह आजादी देने का काम भारत के इतिहास में पहली बार यदि किसी ने किया है, इस एक्ट के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। बहनों भाई, और इतना ही नहीं, आपकी आमदनी केवल 2 गुना नहीं, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना कैसे बढ़ सके। हम लोगों की सोच यह है, यदि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की जाती है, उसमें कानून में उठाकर कोई तो देखे, बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी आकर जो भी ठेका लेगा का, वह किसान को छल नहीं सकता है, धोखा नहीं दे सकता है। यह किसान जितनी कीमत पर एग्रीमेंट करेगा कि हमारे पास 1 एकड़ जमीन है, तो 1 एकड़ में यदि हमको इतना पैसा मिलेगा तभी हम तुम्हारे साथ एग्रीमेंट करेंगे। यदि वह कॉन्ट्रैक्टर अथवा सामूहिक खेती करने वाला वह व्यक्ति उतने पैसे का भुगतान नहीं करेगा तो उसके ऊपर सीधे दंडात्मक कार्रवाई होगी। इस प्रकार की व्यवस्था इस एक्ट में की गई है। अब क्या चाहिए, जितनी अधिकतम सुरक्षा दी जा सकती है वह की गई। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में बहनों भाइयों, उठाकर आंकड़े देखिए, 2009 से लेकर 2014 तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर कांग्रेस की सरकार ने कितनी खरीद की है और हम लोगों ने 2014 से लेकर 2019 तक कितनी खरीद की है, उनसे लगभग 3 गुना खरीद करने का काम हम लोगों ने किया है। लेकिन फिर भी हम लोगों के ऊपर संदेह किया जा रहा है, गलतफहमी की पैदा की जा रही है। जो भी हमारे बहन भाई धरने पर बैठे हैं लंबे समय से, मैं कहना चाहूंगा उसकी पीड़ा है,
भले ही वह धरने पर बैठे हों लेकिन वह किसान हैं, किसान मां की कोख से पैदा हुए हैं, उनके प्रति हमारे मन में बेहद सम्मान है। मैं किसान का बेटा होने के नाते मैं कहना चाहूंगा, सरकार में हम लोग बैठे हैं बहनों भाइयों, हम ऐसा कोई भी काम हमारी सरकार नहीं करेगी जो किसानों के हितों पर चोट पहुंचाने वाला होगा। एक बार इस एक्ट को लागू तो होने दीजिए, साल दो साल आप यह एक्सपेरिमेंट करके तो देखिए, इस एक्ट के अनुसार यदि आपको लगे यह किसानों के लिए लाभकारी एक्ट नहीं है तो मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं, जैसा मैं प्रधानमंत्री जी की अपनी नीयत को मैं जानता हूं बहनों भाइयों, इसमें जो भी संशोधन आवश्यक होगा सारा संशोधन करने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार रहेंगे। पहले यह कहा गया था कि साहब इससे किसान तबाह हो जाएगा, लेकिन इसमें कुछ संशोधन किया जाए। सात राउंड बातचीत हो चुकी है, जो भी किसानों ने कहा वह संशोधन करने के लिए भी हमारी सरकार उसके लिए तैयार हो गई है। और हमारा कहना है कि समस्या का समाधान बातचीत के द्वारा भी हो सकता है, सब कुछ हो जाने के बावजूद। बहनों भाइयों, आज भी मैं कहना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी से दो दिन पहले ही हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि नहीं, किसी भी सूरत में किसानों के साथ संवाद बंद नहीं होना चाहिए, संवाद का सिलसिला लगातार हमारे किसान भाइयों के साथ चलते रहना चाहिए। और फिर से हमारी सरकार ने किसानों को पत्र लिखा है, मैं धरने पर बैठे सारे किसान भाइयों से विनम्रता पूर्वक मैं निवेदन करना चाहता हूं, सरकार ने बातचीत के लिए आमंत्रित किया है, आप उस एक्ट के जितने भी प्राविधान हैं उन प्राविधानों पर चर्चा करिए। आप न हो तो अपने साथ में एक्सपर्ट को लेकर आना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट को लेकर आइए, उस पर चर्चा करिए, कहीं पर भी संशोधन की गुंजाइश होगी तो संशोधन करने के लिए भी हमारी यह सरकार तैयार है, सब कुछ करने के लिए तैयार है। इसलिए